जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज हम जो है धोखे से बड़ोदरा आ गए, अहमदाबाद में कथा चल रही थी, हमको पठानकोट जाना था, तो हेरिटेज गरबा महोत्सव में हमारे बड़े ही प्रिय जाई बाई को पूरे देश विदेश में भेजने वाले श्री यतिन जी बोले, गुरुजी 5 मिनट हो जाओ। हमने कहा चलो पगलन खा जगा भी चल रहे, और हनुमान जी की कृपा से आ गए। जितने भी लोग इस गरबा महोत्सव में नवरात्रि के पावन पर्व पर खड़े हैं, हनुमान जी महाराज के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं ऐसे ही ऊर्जा आपकी बरकरार रहे और भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। अब हमें क्या कहना, जैसे थक गए होगे तुम लोग, अब ही थक जाओगे तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। एक बात बोले, नफरत नहीं हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी। जय सियाराम, जय सियाराम। और इस गरबा महोत्सव को करवाने वाले रॉयल फैमिली और हमारे यतीन जी से कहना है, अगले साल जब भी गरबा हो तो दरवाजे पर गंगा जल की केन रख दी जाए, ताकि धर्म विरोधी शुद्ध होके सनातनी बन के आए, क्योंकि ये भारत बाबर का नहीं रघुवर का है। भारत में अली उल्लाह वालों की नहीं चलेगी, बजरंग बली की चलेगी। लोग हमसे कहते हैं कि बाबा जी तुम तो पूरे देश में उपद्रव करवाते हो, हमने कहा ठंडी के भरे यहाँ कड़कड़ में राम है, हर एक बच्चा राम है और हर एक बिटिया यहाँ सीता रूप में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए सनात अच्छा पहले गरबा होते थे तो दूसरे मजहब वाले आ जाते, कहते थे भाईचारा है भाईचारा। हमसे पूछा गया भाईचारे में कि क्या करना है, हमने कहा उनसे दूसरे वालों से वालों से बस कम नहीं, दो शरीर है भैया। हमसे पूछा भाईचारा चला बागेश्वर राजा जी का क्या चीज कहना है, हमने कहा भैया भाईचारा भर क्यों, बहन चारा भी चला। अपने परिवार को लेकर आप होने दो, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है लेकिन अपने धर्म के कट्टर है। वो मरा हुआ है जो सनातन के लिए नहीं बोलता, सनातन की बातें सुनकर के चुप रहता है, वो बुजदिल है। ये भारत रघुवर का है, यहाँ कणकण में हनुमान है, हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा। आज दोनों हाथ उठाओ सभी लोग जो सच्चे सनातनी हो।